हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। हमारे साथ एक स्टूडेंट है 27 जुलाई बैच के, अपना नाम बताओ। विक्रांत। कहाँ से आप? मुंबई से। तो विक्रांत ये बताओ, आज का सॉफ्टवेयर का क्लास कितना दिन चल रहा है? आज तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन चल रहा है, ठीक है। आज क्लास कौन सा चल रहा है? क्लास जो अभी जो आपका चल रहा है UFI से चल रहा है। UFI का स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अभी तक UFI में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताया, कैसे काम करना है, क्या करना है? ISPPNOT से बताया गया है। अच्छा, ISPPNOT से। ISPPNOT से हम अभी क्या काम कर रहे थे? फ़ोन अनलॉकिंग कर रहे थे। कौन सा मॉडल है बताओ? Realme 5i। चाहिए एक Realme 5i का जो है, ये एक मॉडल है। ये किसका मॉडल है भाई? एक स्टूडेंट का ही है ना यहाँ पर? एक स्टूडेंट ही लेकर आए और काम जो है एक स्टूडेंट के हाथ से ही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी हमारे पास का फ़ोन लेकर आकर हम बना के नहीं दिखाते। हम एक फ़ोन बना के दिखाएंगे, बाकी का काम कौन करेगा भाई? स्टूडेंट ही करना है, क्योंकि जाने के बाद किसका काम है? हमारा ही काम है, आप लोगों का काम है। तो यहाँ पर हम लाइव स्टूडेंट से काम करवाते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम उनको सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एक स्टूडेंट का फ़ोन है और एक दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर उसको अनलॉक कर रहा है। तो अनलॉक अभी इसके अंदर क्या लगा हुआ? पैटर्न लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें डाटा लॉस, विदाउट डाटा लॉस भी करना है। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, डाटा लॉस का वाला कर रहे हैं, विदाउट डाटा लॉस? विदाउट डाटा लॉस। तो डाटा बचाना किस तरह है, कैसा काम है? तो आप लोगों को मैंने बताया कि क्वालकॉम और मीडियाटेक एक दो फोन होते हैं हमारे। अगर क्वालकॉम होगा तो कौन सी फाइल में पैटर्न लॉक रहेगा? और मीडियाटेक होगा तो आरा। तो मैंने अभी एक आपको जो फाइल जो बताया है वो फाइल रिप्लेस करनी है। तो कहाँ रिप्लेस करनी, कैसे रिप्लेस करनी, आपको पता है सभी को? अभी ये जो मॉडल है, कौन सा मॉडल है ये? रियलमी का 5i। रियलमी 5 या 5i, जो भी दोनों मॉडल होता है, इसमें चिपसेट कौन सा लगा हुआ है? क्वालकॉम लगा हुआ है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर डाटा बचाना है। डाटा बचाने के लिए भी उसके लिए एक मतलब एक ये होता है लेवल। इसमें देखो एंड्रॉयड कौन सा चल रहा है? 10 चल रहा है। 11 तक सपोर्ट कर जाएगा, 12 के अंदर सिक्योरिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं 10 वाले काम कर सकता हूँ आराम से, 11 तक भी कर सकता हूँ, लेकिन 12 आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कस्टमर को रिस्क वगैरह बोलना पड़ जाए, ठीक है। ये चीज़ की बारी ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने टूल ओपन किया है, IC को डिटेक्ट किया हुआ है, ISP से कनेक्ट नहीं हो रहा था बोलकर हमने इसको MMC को निकाल कर काम शुरू कर दिया है। तो अब बताना इसके अंदर क्या करना है, अनलॉकिंग करने के लिए कहाँ जाना है अभी? यूजर एरिया पार्ट्स में। चलो जाओ, चलो यहाँ आएंगे हम यूजर एरिया पार्ट में। तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ दिख रही है क्या है, ये कौन सी फाइल है ये, ठीक है। ये MMC के अंदर जितने भी सिस्टम पार्टीशंस होते हैं, ये पिंक कलर की कौन सी फाइल है? सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमारे जो पिंक कलर की है ये सिक्योरिटी फाइल्स है, और बाकी के जितने भी है ये हमारे सिस्टम फाइल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर फाइल्स बोलेंगे, ठीक है। बाकी के पैटर्न, नेटवर्क फाइल, बाकी के सब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो स्पेशल टास्क भी अनलॉकिंग करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बाय फाइल के हिसाब से बताया। तो अब बताना ये है क्वालकॉम, इसके अंदर कहाँ पर फाइल डालना है? मिस में डालना है। मिस में डालना है, एक बार मिस देखो कहाँ पर है, ठीक है। ये हमारी मिस फाइल यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर बोल रहा है डबल क्लिक टू सेलेक्ट, यहाँ से हमें क्या करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। चलो कर लो, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मेरी फाइल जो रखी है वो कहाँ रखी है? डेस्कटॉप पे रखी है। ऑलरेडी हम डेस्कटॉप पे ही है, देखो हम डेस्कटॉप पे, लेकिन यहाँ शो नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जो फॉर्मेट है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा हमें? ऑल फाइल करना पड़ेगा, तब जाकर रुको। हाँ आ गई, अब यहाँ पर देखना है तो कहाँ पर फाइल है, हाँ विदाउट डाटा लॉस, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर देखो आ चुकी है फाइल, क्या हो गई है। अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ से राइट कर देंगे, क्या करेंगे, कर दो। चलो तो देखो यहां पर फाइल राइट होने के लिए कितना टाइम लगा, एक से दो सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। मतलब अनलॉक करने के लिए अगर आप UFI से काम करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है, 5 सेकंड भी पकड़ लो आप, लेकिन ज्यादा टाइम कहां लग रहा है, ISP में या EMMC निकाल कर करने में यहाँ पर हमारा आधा घंटा या 15 मिनट चल जा रहे हैं, लेकिन अनलॉक करने में कितना ईजी है। चलो अब ये हो गया हमारा, फाइल राइट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ बचा हुआ है, डाटा बचाना है ना, तो इसमें कौन सा लॉक अभी रहेगा? FRP रहेगा। अगर मैं यहाँ से रिसेट कर लेता FRP
तो क्या डाटा बचेगा? नहीं बचेगा। आप लोगों को पता है, तो मुझे डाटा बचाना है। अगर आपको कस्टमर को डाटा नहीं देना है तो आप क्लियर एफ आर पी कर लो और आईसी लगाकर कस्टमर को ऑन करके दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाटा बचा रहे। तो फाइल राइट कर दिए, एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब ये आईसी को निकाल कर हम सीधा फोन में लगा लेंगे, इसके आगे हम रिसेट विसेट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने अनलॉकिंग कर दिए, अब इमिम से लगा देंगे और इसको ऑन करके चेक करेंगे हमारा डाटा बचा या नहीं बचा। ठीक है, तो ये हमारे आइडेंटिफाई हो गई है। चलो आईसी निकाल लो यहाँ से। अब ये आईसी आप बिठा लेना। ठीक है, बैठ जाओ वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन लगा लेता हूँ। तो एक चीज़ ये बताना, आप थोड़ा इधर आ जाओ। ये जो लेवल का काम जो बता रहा हूँ मैं आपको, UFI वगैरह, आप इस फील्ड में कभी काम किए ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या काम करे, कब मतलब आप इस फील्ड में कब से है? हूँ मैं लगभग 1-2 साल से हूँ, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं किया हूँ। मैंने चार्जिंग और डिस्प्ले पे ही बस किया। अच्छा, बेसिक काम। आप हार्डवेयर में भी बेसिक भी है, फ्रेशर ही थे, सॉफ्टवेयर में भी फ्रेशर है। तो मुझे ये बताओ, 3 दिन के अंदर आपने सॉफ्टवेयर का काम सीख गया? सीख गया। ईजी लग रहा है? पूरा ईजी। UFI बॉक्स चला सकते हैं आराम से? चला सकते। कुछ भी अगर प्रोग्रामिंग करनी, अनलॉकिंग करना है तो आराम से कोई भी CPU को कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल 3 दिन के अंदर कैसे हुआ? सर आपके मदद से हुआ है। मतलब तरीका जो सिखाने का होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि स्टूडेंट अगर वो फ्रेशर हो या वो 10 साल से भी कर रहा हो, अगर उसको टीचर सही तरीके से समझा नहीं रहा है तो वो 10 साल वाला भी नहीं सीखेगा, ना वो फ्रेशर सीखेगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर सारे एक्सपर्ट बैठे हैं स्टूडेंट? नहीं, सारे पहले से 10 साल से करने वाले काम है। यहाँ जितने भी बैठे कितने साल से काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर का भी काम किए कि पूछो एक बार, सब लोग बताना भाई। आप लोग फ्रेशर है? कभी EMMC के ऊपर काम किए? कभी UFI टूल खोल के देखे? इवन तो आप लोगों ने खरीदे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बताओ कि ये काम सीखने के लिए क्या फ्रेशर कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या ऐसा सोचेगा कि फ्रेशर, कि मैं फ्रेशर हूँ सर, मुझे ये सब चीज़ें बहुत हार्ड जाएगी, मैं खरीद नहीं पाऊँगा, नहीं काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ है? देखो, बताने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि वो बता कैसे रहा है सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? तो आप इसमें से बताना कि ऐसा कोई है जिसको अभी तक का 3 दिन के अंदर जो क्लास समझ में नहीं आया, कोई है? सब लोग को समझ में आ रहा है क्लास? और ये कोई फेक तो नहीं बन रहा वीडियो? लाइव यहाँ पर सामने आपके, आपका ही फोन आपके सामने बना रहे, ऐसा तो नहीं है पीछे से बनाकर लेकर आके बता रहे? जो भी काम हो रहा है सामने लाइव हो रहा है, तो देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट जो है फ्रेशर है। सब लोग को पता है ये फ्रेशर है या नहीं है? तो अब ये इनसे काम करवाएंगे। अभी अनलॉक तो समझ गए कैसे अनलॉक करना है, अब IC बिठा देंगे। चलो, यहाँ पर EMMC लग गई है इसकी, फिक्स हो गई है और एक बार इसमें चेक करेंगे। तो हम इसके अंदर खाली क्या करें, कौन सी फाइल डाले हमने इसमें? मिस पारा फाइल। क्या करने के लिए? डाटा जो गैलरी है बचाने के लिए है। फिर भी कभी भी कस्टमर को बात कभी भी क्या करना है, 100% वाली करना नहीं है। ठीक है, डाटा बचेगा नहीं बचेगा क्या होता है, कभी ना बच पाए तो दिक्कत आ जाए। लेकिन हम जो कर रहे हैं इसमें डाटा बचने वाला ही है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऑन हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार इनके लिए क्लैप करिए भाई। ठीक है, एक बार जो है तो थोड़ा सा पावर की खराब है एक। ठीक है, वाइपिंग हो रहा है। वाइपिंग हो रहा है मतलब काम हो गया है। ठीक है, वाइपिंग डाटा काम हो रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा, हाथ में पकड़ के रखो। अब यहाँ पर लोगो वेलकम स्क्रीन आ जाएगी,
और FRP लॉक रहेगा इसमें। रुको रुको रुको, रिस्टार्ट होता है वो वाइट हुआ ना, उसके बाद वो रिटर्न वापस ऑन होता है। ठीक है, सेकेंड लोगो आ गया, मतलब फोन ऑन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी एक चीज करना बाकी है जिसके अंदर FRP लॉक रहेगा, उसको हम बाईपास कर लेंगे। और आपको ये भी पता है कि इसमें जो कोड आएगा वो कोड भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो वो कोड आप इसमें इंटर कर देना, पता है ना कोड कौन सा है? चलो हाँ, ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत बेसिक काम कर सकते थे आप लोग, अनलॉकिंग FRP वगैरह पहले से कर सकते थे, लेकिन थोड़ा हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग में करने के लिए थोड़ा सा डाउट रहता है आप लोगों का, लेकिन वो सारा क्लियर हो रहा ही नहीं हो रहा अभी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑन हो गया, वेलकम स्क्रीन आ चुकी है, थोड़ा सा टच का भी प्रॉब्लम है। एक मिनट थोड़ा बैक कर लेंगे, एमरजेंसी डायलर में आ जाएंगे। और कौन सा कोड डालेंगे यहाँ पर? *H813 क्या है? *H813 ये डालने से क्या होता है, आपका FRP को बाईपास कर देता है। चलो ठीक है, तो हमने इसको बाईपास कर दिया क्योंकि टच में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो थोड़ा एडजस्ट करके हमने इसको बाईपास कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर जो डाटा है, जो फोटोज होती है, ये इसके अंदर आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर फोटोज आ चुके हैं, डाटा भी आ गया कस्टमर का, जो भी इसके अंदर है फाइल्स और वीडियोस, जो भी फोटोज है सारा कुछ इसमें क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा ये टच का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा टच चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ नहीं हुआ। और किसी का भी अगर डाटा बचा के देना है अनलॉकिंग करने के लिए तो कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं बताओ? सब लोग कर सकते हैं, इजी वर्क है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत एडवांस हो गया ये काम। पहले सोचते थे कि एडवांस होगा काम, लेकिन जब सामने बैठ कर जब एक काम देखते हैं हम तो कैसा लगता है, करने के लिए हो सकता है कि कर सकते हैं आराम से। चलो ठीक है, तो इनके लिए एक बार फिर से क्लैप्स करिए और सब लोगों के लिए भी क्लैप्स करिए, सब लोग को क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।